नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रैक विद परफेक्शन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों पदार्थों की प्राकृतिक स्थिति एवं उनके कारक। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया था, तो आज हम इसको ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों प्याज का लाल होना। तो दोस्तों यह जो स्थिति है वो एंथोसाइन के कारण होती है। तो दोस्तों इसे हम कैसे याद करेंगे, एंथोसाइन में साउंड आ रहा है दोस्तों साइन का यानी सिग्नेचर। और दोस्तों प्याज का लाल होना यानी कि जो टीचर थे दोस्तों बचपन में वो क्या करते थे, लाल कलर के पेन से साइन किया करते थे दोस्तों। तो इस तरीके से इसको रिलेट कर लेंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों गाजर में लाल रंग। तो दोस्तों गाजर में जो लाल रंग है वह एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों इसमें भी वही ट्रिक लगी है दोस्तों, साइनिन में साउंड आ रहा है साइन का और गाजर में लाल रंग, तो वही ट्रिक इसको याद कर लेंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों लहसुन में गंध। तो जो लहसुन में गंध होती है दोस्तों वह एलाइसन के कारण होती है। तो एलाइसन में दोस्तों साउंड आ रहा है लहसुन का, लाइसन लहसुन, तो इस तरीके से इसको रिलेट कर लेंगे दोस्तों और याद कर लेंगे। अगला है दोस्तों मिर्च में चरपराहट। तो दोस्तों मिर्च में चरपराहट होती है वह कैप्सिसिन के कारण होती है। तो दोस्तों इसे हम कैसे याद करेंगे, देखिए हम सभी जानते हैं कि जो मिर्च इतनी तीखी होती है कि लोग पता नहीं उसे कैसे खा लेते हैं। तो कैप्से में साउंड आ रहा है कैसे, कैप्से कैसे, तो यानी मिर्च इतनी तीखी होती है कि लोग पता नहीं कैसे उसे खा लेते हैं। तो इस तरीके से इसको रिलेट कर लेंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों मिर्च में लाल रंग। तो वह दोस्तों कैप्सिन थिन के कारण होता है दोस्तों। तो इसमें भी कैप्से में साउंड आ रहा है कैसे और मिर्च का नाम आ रहा है, तो इसे वैसे ही रिलेट कर लेंगे जैसा कि हमने पिछले में किया था और इसे याद कर लेंगे। अगला है दोस्तों टमाटर में लाल रंग। दोस्तों टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। तो इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों लाइकोपिन में साउंड आ रहा है कोपिन, कोपिन, तो दोस्तों एक बच्चे जो बड़े शैतान होते हैं दोस्तों, तो वो क्या करते हैं टमाटर को पिन चुबा देते हैं, टमाटर को पिन चुबा देते हैं, टमाटर को पिन, तो इस तरीके से इसको रिलेट कर लेंगे दोस्तों और याद कर लेंगे। अगला है दोस्तों प्याज में गंध। दोस्तों यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमेशा पूछा भी गया है। तो दोस्तों यह एलॉयल के कारण होता है, तो यानी कि जो प्याज में गंध है वह एलॉयल के कारण होती है। तो लॉयल में साउंड आ रहा है लॉयल का और प्याज में साउंड आ रहा है प्यार का। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो रिलेशनशिप होती है या प्यार होता है उसमें लॉयल होना ज़रूरी होता है दोस्तों एक दूसरे के लिए, तो इस तरीके से इसको रिलेट कर लेंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों करेले में कड़वाहट। तो दोस्तों करेले में कड़वाहट ट्राइटर पाइन के कारण होती है। दोस्तों ट्राइटर से साउंड आ रहा है ट्राइकर, ट्राइटर, ट्राइकर, तो दोस्तों जो हेमा है उसके बहुत सारे पिंपल्स निकलते हैं, तो लोगों ने उसको सजेस्ट किया कि तुम करेले का जूस ट्राई करो, यानी करेले का जूस ट्राई कर, तो इस तरीके से इसको रिलेट कर लेंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों खीरे में कड़वाहट। तो दोस्तों खीरे में कड़वाहट कुकर विटेसिन के कारण होती है। तो कुकर में साउंड आ रहा है कुकर का, कुकर, कुकर, तो दोस्तों जो राहुल था उसने खीरा कड़वा होने के कारण उसे कुकर में उबाल दिया, ऐसा उसका मानना था कि खीरे को कुकर में उबालने से उसका कड़वापन दूर हो जाएगा, तो उसने क्या किया खीरे को कुकर में उबाल दिया, तो इससे खीरे में कड़वाहट जो थी वो कम हो गई। हालांकि ये हमारी ट्रिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, तो इस तरीके से इसको रिलेट कर लेंगे दोस्तों कि खीरे में जो कड़वाहट है वो कुकर विटेसिन के कारण होती है। अगला है दोस्तों मूली में दिखापन। यह आइसोसाइनेट के कारण होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और कई बार पूछा भी गया है, रेलवे एसएससी वगैरह प्रश्न यहाँ से पूछता रहता है। तो देखिए मूली में दिखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। तो मूली में साउंड आ रहा है मामूली और आइसोसाइनेट में साउंड आ रहा है साइनेट, सानेट, यानी कि जो जम्मू कश्मीर एरिया है दोस्तों उसमें बहुत मामूली सा नेट चलता है, मामूली सा नेट चलता है,
क्यों चलता है? क्योंकि वहाँ आतंकवादी से रिलेटेड गतिविधियाँ होती रहती हैं, तो हम सबको तो 4G प्रोवाइड होता है, लेकिन वहाँ पर 2G नेट की सुविधा प्रदान की जाती है। तो इस तरीके से इसको रिलेट कर लेंगे कि जम्मू कश्मीर में मामूली सा नेट चलता है, इस तरीके से इसको रिलेट कर लेंगे और याद कर लेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट प्राकृतिक पदार्थों की स्थितियाँ और उनके कारक। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।